हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल्स है मुंबई बनाम हिमाचल प्रदेश। इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन है वो टॉप प्लेयर्स जो आपकी टीम में धमाका कर सकते हैं, डिफरेंशियल पिक्स एंड क्या कोई बड़ा नाम है जो आप अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड कर सकते हो। देखते हैं दोस्तों इस गेम की तरफ। और मुंबई पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल्स तक पहुंची है। हिमाचल प्रदेश की जो टीम है इन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। विजय हजारे ट्रॉफी के विनर्स थे एंड अब ये फाइनली पहुंचे हैं इस बड़े स्तर पर जहां पर उम्मीद करेंगे कि कैप्टन ऋषि धवन फिर से तोड़ू परफॉर्मेंस दे पाए। चलते हैं दोस्तों मस्ट हैव प्लेयर्स की तरफ। और मुंबई की तरफ से इन प्लेयर्स की हम टूर्नामेंट के रिकॉर्ड देखें तो शिवम दुबे ने 9 मैचेस में 179 रन स्कोर करे हैं, 89 का एवरेज है और 7 विकेट भी पिक कर चुके हैं। श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी खेलते हैं, 5 मैचेस में 139 रन स्कोर कर चुके हैं, एक ही बार 50 मारी है। बट ये वो बड़ा प्लेयर है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इफ मुंबई हैव टू डू वेल। तुषार देशपांडे मीडियम पेसर है, 9 मैचेस में 17 विकेट्स हैं इनके, 13 का एवरेज है और 12 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 4 पर है श्याम सुनानी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 9 मैचेस में 16 विकेट पिक कर चुके हैं और ईडन गार्डन्स की विकेट पर ये काफी क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अब तक ऋषि धवन जो कि इनके कप्तान है 6 मैचेस में 11 विकेट पिक कर चुके हैं, 14 का एवरेज है, 12 का स्ट्राइक रेट। आकाश वशिष्ठ 6 मैचेस में 191 रन स्कोर कर चुके हैं, 63 का एवरेज है इनका और 4 विकेट भी इन्होंने पिक करी है। अगेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल इस पर्टिकुलर गेम में प्ले कर सकते हैं। के अभिनय सिंह की बात करें तो राइट आर्म मीडियम पेसर है, 6 मैचेस में 9 विकेट पिक कर चुके हैं, 18 का एवरेज है और 15 का स्ट्राइक रेट है। मयंक डागर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 6 मैचेस में 10 विकेट्स, 12 का एवरेज और 14 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऋषि धवन की तरफ जरूर नजर बनाए रखना बिकॉज कैप्टन है, इंपॉर्टेंट नॉक ये खेलने की फिर से कोशिश करेंगे और शायद इनकी बॉलिंग मुंबई के बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है। सेफ कैप्टनशिप पिक की तरफ चलते हैं और नंबर 1 पर आएंगे श्रेयस अय्यर। वी ऑल नो कितने बड़े कैलिबर के ये प्लेयर हैं, इंडिया खेल चुके हैं, ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी ये खेल चुके हैं, वेल अवेयर ऑफ व्हाट द विकेट कुड बी एंड अ बिग मैच डिमांड्स अ बिग प्लेयर एंड श्रेयस अय्यर कुड बी दैट वन हु कैन कम इन टू द रेकनिंग। ऋषि धवन सेकेंड सेफ कैप्टनशिप पिक, इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, अपनी बॉलिंग के साथ मुंबई को जरूर ये ट्रबल करने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। शिवम दुबे की बात करें तो रिकॉर्ड इनका इस टूर्नामेंट का काफी बढ़िया है, 89 का एवरेज है, 7 विकेट भी पिक कर चुके हैं एंड एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन पूरी तरीके से आपके लिए बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हु यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट। मुंबई विन की तरफ जा रहे हो तो श्रेयस अय्यर एंड शिवम दुबे कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर अवर फैंटेसी टीम्स। डिफरेंशियल पिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो प्रशांत चोपड़ा एचपी के ओपनर हैं, इस सीजन में इस टूर्नामेंट में 6 मैचेस में 160 रन स्कोर कर चुके हैं, एक बार 50 भी स्कोर करा है एंड 32 का एवरेज है इनका। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हिमाचल प्रदेश के ओपनर्स अच्छा खासा खेल जाएंगे स्टार्टिंग में तो प्रशांत चोपड़ा इज डेफिनेटली द वन जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए। मोहित अवस्थी इज द सेकंड डिफरेंशियल पिक फ्रॉम आर साइड, मुंबई के मीडियम पेसर हैं, डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, 6 मैचेस में 7 विकेट्स हैं एंड एक गेम चेंजर आपकी टीम के लिए साबित हो सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की तरफ जाएं तो यंग यशस्वी जायसवाल को हम बैक करेंगे, 9 मैचेस में 239 रन हैं, 34 का एवरेज है और एक बार 50 भी स्कोर कर चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों प्लेयर टू अवॉइड की और हमारी तरफ से नाम है पृथ्वी शॉ। शॉक में मत जाइएगा, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है बट अगर आप इसकी परफॉर्मेंस ऑफ लेट देखोगे तो थोड़ी सी चिंताजनक जरूर रही है। अपने दिन पे पृथ्वी शॉ एक बहुत ही गेम चेंजिंग नॉक खेल सकता है एंड इसीलिए ग्रैंड लीग में शायद आप इनको कैप्टन भी बना दो बट आपकी जो हेड टू हेड टीम है उसमें हम रेकमेंड करेंगे शायद एक कॉम्बिनेशन में इसको जरूर ड्रॉप कर सकते हो। लास्ट कुछ मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ईडन गार्डन्स पे भी इनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, 3 मैचेस में 50 रन है केवल, 16 का एवरेज है और हाईएस्ट स्कोर है 34 का।